आइए अब आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद, जहां 29 साल के एक शख्स ने अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को छोड़कर तालाबों को साफ करने का काम शुरू किया है। हमारी सहयोगी शुभांगी लेकर आई हैं रामवीर तंवर की यह कहानी, जिन्होंने 6 राज्यों में करीब 80 तालाबों को पुनर्स्थापित किया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जब कोई खोई हुई चीज लौट कर आ जाती है तो ऐसा लगता है कि ये कहीं सपना तो नहीं। शहरों में पुराने साफ तालाबों के सपने को हकीकत में बदला है 29 साल के रामवीर तंवर ने। एक ही तालाब पे फूल भी है, एक ही तालाब पे पेड़ भी है, बर्ड्स भी है, लोगों के घर भी है, पेड़ भी है, तो सारी चीजें करीबन इसमें 20 तरह की बर्ड्स अभी आपको देख सकते हैं। हाँ। तो ये गाजियाबाद का ऐसा पहला इनिशिएटिव है कि एक लैंडफिल जैसी साइट को पूरा अच्छे से पॉन्ड में कन्वर्ट करके जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आने लगी हो। रामवीर को इस तालाब को रिस्टोर करने में करीब 1 साल लग गया। उन्होंने गांव वालों की भागीदारी के साथ एक ऐसा मॉडल बनाया है कि सब लोग तालाब का रखरखाव करते हैं। आप इसमें देखेंगे कि इस तालाब के चारों तरफ सब्जियां उगाई हुई है, इसमें फिश फार्मिंग होती है, तो सब्जी उगाने से, फिश फार्मिंग करने से लोगों को जो इनकम जनरेट होती है या फिर जो उनका उनके लिए रिसोर्सेज यहाँ पे निकलते हैं, उसी से तालाब का रखरखाव किया जाता है, उसी से तालाब को मेंटेन किया जाता है, तो यही एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है। रामवीर ने एक और सिस्टम बनाया जिससे गांव का गंदा पानी ट्रीट होकर तालाब में जाए। 3 हिस्सों में बांटकर टैंक बनाया ताकि 2 में गंदगी रुक जाए और 3रे में एक पौधा लगाया जिसका नाम केना इंडिका है। ये पौधा पानी की गंदगी को खींच लेता है। ये बात सही है जब लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। ये बात हम सबने सुनी है कितनी बार सरकारों से और अलग अलग दावों के जरिए कि तालाबों को और नदियों को उनकी पुरानी हालत में वापस लाया जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च हुए हैं, लेकिन आज आप सबने देखा किस तरह एक आदमी 29 साल के रामवीर तंवर ने इसको कर दिखाया है। यहाँ गाजियाबाद के एक इतने बड़े तालाब को उन्होंने वापस उसी हालत में लाया है जैसा वो अपने बचपन में देखते थे, जैसा यहाँ के गांव के लोगों ने इसे देखा था। गांव के लोगों को वापस उनकी जीविका दी है और इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं हूँ शुभांगी डेढ़गवे, NDTV इंडिया के लिए।